सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे कम्युनिटी बाजार में कृषि जिन्सों के ऊपर बात करना चाहूँगा। आपने काफ़ी समय से मसालों में बता रहे थे कि मसालों में तेजी के आसार बनने की उम्मीद, मसालों में तेजी की उम्मीद है, वो हमने आज होते हुए देख लिया है। आपने हल्दी में तेजी बताई थी, आज हमने हल्दी में बढ़त बनते हुए देखी है, काफ़ी शानदार तेजी आज वायदा बाजार के अंदर हल्दी की कीमतों में देखने को मिल रही है, 3% से ज़्यादा की तेजी भी बनते देखी। धनिया में भी देखा है कि 9,100 के ऊपर का कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, और जीरे में भी जो जीरा 16,000 पर काफ़ी दिनों से गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, अब वही जीरा 16,600 के ऊपर वायदा बाजारों पर कारोबार करता नजर आ रहा है। कर्नल अजय जी, आपने जो मसालों के ऊपर जो प्रिडिक्शन दी थी कि मसालों में तेजी आएगी, आपकी वो प्रिडिक्शन सत्य साबित होती नजर आई है। अब आपको यहाँ से आगे क्या लगता है मसालों में, खास करके कि मसालों में आगे कैसा रुझान रह सकता है? अब देखिए अखिलेश जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मार्केट टाइम्स टीवी के जो भी दर्शक बंधु हमारे इस प्रोग्राम को बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, देखते हैं, उम्मीद है कि उन्होंने भरपूर लाभ उठाया होगा, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन बिंदु होता है, वो है कि जब बाजार गिर रहे हैं उस वक्त आप उसका विश्लेषण करें, जब बाजार बढ़ रहे हैं उस वक्त विश्लेषण करें, जब बाजार बढ़ रहे हैं तो तेजी की बात करें, और जब बाजार गिर रहे हैं तो गिरते बाजार में गिरने की बात करें। ये एनालिसिस कभी भी नाकामयाब पहले था, ना आज है, ना कल होगा, क्योंकि तेजी में तेजी करने वाले, मंदी में मंदी करने वाले ये अक्सर दिग्भ्रमित कर देते हैं, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने कभी भी ऐसा नहीं किया और ना आगे करेगी। मसालों का जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है, फसलों की स्थिति, उपलब्ध स्टॉक और अग्रिम अनुमान डिमांड का लगाना, यही बाजारों के विशेषज्ञों का काम है। अभी और उसके आधार पर हम लगातार आपको बता रहे थे कि जीरे के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है, जो कि गुजरात के अंदर जो कि प्रमुख जीरा उत्पादक राज्यों में से एक है, वहां पर बिजाई की, जीरे की बिजाई बहुत कम की सूचना मिल रही है, और जीरा का जो पाइपलाइन है वो भी टाइट है। उसको देखते हुए हमने आपको, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ग्रह स्थिति भी जीरे के लिए मुफीद थी, पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, इसलिए जीरा, धनिया और हल्दी के अंदर हमने आपको तेजी की बात कही थी अग्रिम, जब ये पिटाई खा रहे थे, जब भी यही कहा था धैर्य रखिए, ये समय खरीदने का है, बेचने का नहीं। जब तक आप मंदी में नहीं खरीदेंगे, आप तेजी में कैसे बेचेंगे? ये व्यापार का नियम है कि मंदी में खरीदो, तेजी में बेचो, लेकिन अनुमान लगा के खरीदो कि ये मंदी और मंदी लेके आ रही है, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, एक अवसर प्रदान कर रही है आपको नीचे में माल खरीदने का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे लगता है आपका जो सवाल है कि आगे क्या रहेगा, कुछ छोटी अवधि के अंदर मसाला पैक अभी मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी आएगी एक बड़ी मंदी, इसमें कोई दौर आएगी, क्योंकि साथ लेना और साथ छोड़ना, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात अवश्य आती है, लेकिन ये कब आएगी इसकी हम आगे, जैसी मंदी आएगी उसकी हम अग्रिम आपको विश्लेषण देंगे, लेकिन अभी अल्प अवधि, छोटी अवधि के अंदर ये मसाला पैक तेज नजर आ रहा है। ये अखिलेश जी, तो यानी कि कर्नल अजय जी के मुताबिक मसाला पैक में अभी हाल फिलहाल में छोटी अवधि की बात करें तो अगर उनके अनुसार छोटी अवधि में मसालों में तेजी का ही रुझान है, लेकिन इसमें भी गिरावट जरूर बनेगी आगे जाके, जिसकी अग्रिम भविष्यवाणी कर्नल अजय जी आपको पहले ही दे देंगे, जैसे आज से पहले अवगत कराते आए हैं, आपको नुकसान से बचाते आए हैं कर्नल अजय जी, आप मसालों में भी वैसे ही आगे बचाएंगे।